वाह, यह एक तूफानी रात थी। मुझे लगभग उड़ा ही दिया गया था। वह क्या है? ओ, यह बहुत सुंदर है। मैंने कभी कुछ इतना चमकीला और सुंदर नहीं देखा। बेशक मेरा हैंडसम चेहरा सबसे अच्छा है। हा। ओ, अब ये फिर से क्या है? शायद इस बार हमारे पास कोई खजाना हो। एक व्यक्ति, एक छोटी लड़की। लड़की अभी भी सांस ले रही है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। जब वह जागेगी तब वह अपने आप तैर कर जहां से आई थी। हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें इस दयालु निर्णय पर पछताना पड़ सकता है। यही सारी वजह है कि खेस ने अपने अजीबोगरीब जीवन को छोटे से द्वीप पर जानवरों के दोस्तों के साथ बिताया। तेजी से 2 साल बीत गए हैं। वह छोटी लड़की अब एक युवा महिला बन गई है जो जानवरों के साथ बड़ी हुई है। उसे जानवरों से बात करने की विशेष शक्ति प्राप्त हुई। नमस्ते, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल सही, रोज। तुम अब पहले से ज्यादा सटीक फेंक रही हो। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सच में स्वर्ग का मौसम है। रोज, ओ, यह अकल्पनीय है। वह इतनी बड़ी हो गई है। वह दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है ना? जी, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास सुंदर पूंछ नहीं है। हाँ, लेकिन जब से मैं यहाँ खो गई, यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार बन गए। मैं इस द्वीप के साथ बड़ी हुई हूँ। कई वर्षों की शांति के बाद उज्जवल द्वीप पर यह पहली बार है जब उनके पास आधुनिक उपकरणों के साथ मेहमान आए हैं। यह मुलाकात रोज की जिंदगी बदल देगी। और आपके दोस्त दूसरी दिशा में जाएंगे। ये किस प्रकार की प्रजाति है? उनके पास मेरे जैसे सुंदर पूंछ भी नहीं है इतना लंबा कुछ भी नहीं है, और वजन की तुलना में बहुत कम बाल। लेकिन वे आपके जैसे नहीं दिखते, है ना? वह इंसान है। ये वास्तव में इंसान है, लुसा अंकल। कोई रास्ता है? हम सचमुच खत्म होने वाले हैं। महाराज, मैं भूखे मगर मच्छों से बात नहीं कर सकता। काफी ताजगी महसूस हो रही है। ठीक की टुक,
अब बहुत हो गया, अब तैरना शुरू करो। फान, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। धन्यवाद। ये दो आदमी, एक क्विन देश का राजकुमार और दूसरा वैज्ञानिक, उन्होंने भले ही दुनिया भर में अन्वेषण किया हो, पहली बार जब उन्होंने एक लड़की को मगरमच्छ से बात करते देखा तो वे अविश्वास से हैरान रह गए। माफ करना, हम अजनबियों के साथ इतना जल्दी परिचित नहीं होते। ओ, माफ करना, मुझे परिचय दे, मैं हूँ हंस, विंस का राजकुमार, और यह मेरा दोस्त फ्रेजर है जो मेरे साथ इस अभियान पर है। लेकिन मुझे बताया गया था कि यह एक निर्जन द्वीप है। आप यहाँ क्यों हैं? और तो तुम मगरमच्छों से बात करने की क्षमता भी रखती हो, तुम वाकई में बहुत प्रतिभाशाली हो। सावधान। मुझे ज्यादा याद नहीं है, बात बहुत पुरानी है। मैं यहाँ बहकर आया था, आज ही मैं आप लोगों से मिला। लेकिन गलत मत समझो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। लूसा, शैगी और लिली, सब बाहर आओ। हे भगवान, एक मोर, एक भालू और एक पांडा। तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम झगड़ा करने या रोज को कहीं ले जाने की योजना बना रहे हो? बुरे लोग नहीं हैं। ऐसे अजनबियों पर भरोसा मत करो, रोज। बस बहुत दिनों बाद मैंने खुद जैसे इंसानों को देखा है। रोज, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अब हमें तुम्हारे लिए कुछ करने दो। मैं तुम्हें वापस जमीन पर ले जाऊंगा और तुम्हारे परिवार को ढूंढ निकालूंगा। देखा देखा, वे सिर्फ हमारी रोज को ले जाना चाहते हैं। ओ भगवान, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। शांत हो जाओ लुसा, रोज को देखो, वह 12 साल से अपने परिवार के बारे में जिज्ञासु रही है, अब उसे जवाब पाने का मौका है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा अगर हम भी साथ जाए। और इस तरह एक निर्णय लिया गया। रोज और उसके दोस्त पहली बार स्वर्गदूतों के द्वीप से अपनी उत्पत्ति के उत्तर खोजने के लिए निकल पड़े। वापसी की यात्रा में एक गहरी और सुंदर संबंध राजकुमार और गहरे के बीच खिलने लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भावना ही महल में तूफान की जड़ है, जिसका सामना करना बुआ ट्राउ को है। पिता, माता, मैं वापस आ गया हूँ। ओई बेटा, वापस आ गया। बहुत अच्छा, तुम सही समय पर वापस आ गए। माँ, बाप, मैं एक खास व्यक्ति का परिचय देना चाहता हूँ। उसका नाम रोज है। मैंने उसे हुआन द्वीप पर फंसा हुआ पाया, शायद कई साल पहले एक जहाज के डूबने से। दोनों को नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्वंग यू द्वीप पर अकेले जीवन मुश्किल होता होगा। हाँ? का अनुवाद करें। ठीक है, अपने मेहमानों को आराम करने दो। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है, यह बहुत खुशी की खबर है। बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें राजकुमारी लुसियाना से मिलवा रहा हूँ, जो तुम्हारी भावी पत्नी बनेगी। पिता ने क्या कहा, पत्नी बहुत पसंद है। हाँ, यह शाही सगाई का फैसला मेरे और पड़ोसी देश की रानी जयरा के बीच लिया गया है। अरे राजकुमार, मेरे भावी दामाद यहाँ हैं। अफवाहों के अनुसार आप सच में बहुत हैंडसम हैं। कुछ ही समय में सियोल की अपरिचितता एक अजीब अकेलेपन में बदल गई।
महल के सामने खड़े होकर उसके जैसे कई और लोग वहां थे, फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा अजनबी महसूस कर रही थी। राजकुमार और राजकुमारी लुसियाना को एक साथ देखकर मुकाबले में अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह द्वीप में सभी प्रजातियों के साथ नहीं था। गहरे में यह एक अनोखा ठंडक का एहसास देता है। प्रिंस साहब, कृपया मिलने की अनुमति दें। मैं भी, राजकुमारी जी। राजकुमारी लुसियाना के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि राजकुमार का दिल किसी और के लिए था। इसने शादी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। लुसियाना में जागने के बाद तुम राजकुमार से शादी करोगे और इस देश की मालिक बनोगे। माँ को दिखाओ कि तुम कैसे मालिक बनते हो। शायद हमें माँ की शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। माँ, क्या आपने देखा कि राजकुमार उस लड़की को कैसे देख रहा था? वही सच्चा प्यार है। आप जानते हैं कि आज के दिन तक आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर आप राजकुमार की नजरों से परेशान हैं, तो बस उसे इसे देखने न दें। शायद आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, ये जगह अजनबी लगती है। मुझे बस यह डर है कि मैं राजकुमार के दिल में अजनबी हूँ। उदास हो मेरे प्यारे, यह यात्रा सिर्फ राजकुमार के लिए नहीं है, यह तुम्हारे माता पिता की जड़ों को खोजने के लिए भी है। रानी को सलाम। मैंने पहले महल में उनसे मुलाकात की थी। ओह, गलत है कि तुम भी इंसानों की भाषा बोल सकते हो। मुझे लगा कि तुम केवल जानवरों की तरह ही संवाद कर सकते हो। रानी महोदया, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें, वे मेरे परिवार हैं। ओह, परिवार है? तो क्यों ना अपने घर जाओ और कभी भी राजकुमार के सामने ना आओ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम जल्दी से घर पहुँच जाओ। भाग जाओ कुत्ते। जल्दी करो, शुरू करो। रोज रोज। अचानक तूफान उभरने लगे जैसे तीव्र लहरें। एक के बाद एक लहरें उठकर दुर्घटना के कारण उसकी गहरी यादों में सोए हुए सपनों को जगा रही थी। छोटी लड़की को अलविदा। बचाओ, बचाओ। यादें जगाने का मतलब है कि लहरें गुलाब को समुद्र की गहराई में और गहरे डुबो रही हैं। रोज और उसके दोस्तों का भविष्य क्या होगा? क्या वर्षों पहले की सच्चाई सामने आ पाएगी? राजकुमारी की परी कथा का भाग दो देखने के लिए तैयार रहे। वेलिस गुप्त बिस्तर क्षेत्र में घुस गई। वह चारों ओर देख रही थी और उसे कीमती सिक्कों का दृश्य खोजने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। वेलिस ने हल्के से किनारे को पकड़ा। उसका दिल खुशी और उत्साह से भर गया। वह वापस एक टहनी लेकर आई। मैंने सोचा कि मैं उससे रानी के आकार के बारे में पूछूंगा, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था और ली से संदेह से भरा हुआ है। लेकिन छोड़ मत देना। अभी जरूरी है कि हम समय पर प्रतियोगिता के लिए वापस जाएं। हम बाद में उसे ढूंढ लेंगे। वलिसी एक विजेता के उत्साह के साथ दुआंग क्वॉक लौट आया, बिना यह जाने कि एक भयानक घटना घटित हो चुकी है। जब परियां आना को रोकने के लिए आगे बढ़ीं, तब नमकुई यांग ने अवसर का लाभ उठाया और सोल जेम रखने वाले मंदिर में घुस गया जहां कोई नहीं था। तुम जाल में फंस चुके हो, मैं ही वलीज हूँ। हा 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 हा। कानून के अनुसार तितलियों की रानी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए माँ विला का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। वह अपनी शक्ति खोने से डरती है।
और उसने अंधेरे जादू के बारे में जानकारी हासिल की ताकि वह फिर से जवान हो सके। लेकिन अभी पूरी तरह से कुशल नहीं हो पाए। अंधेरे जादू के अनुयायी अभ्यास के दौरान अभिशापित हो गए और पुरुष भूत में बदल गए। वह बुराई से बदल गया और जादू में पागल हो गया। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और मातिपा के प्राणी रत्न को छीनने की कोशिश की। हे सर्वोच्च आत्मा, मुझे इन परियों को नियंत्रित करने की शक्ति दो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। उन्होंने परियों के पंख से अवशोषित की गई ऊर्जा का इस्तेमाल किया। एक शक्तिशाली काले तितली योद्धा के युद्ध कौशल के साथ वैलिस ने अस्थाई रूप से दुष्ट क्विदुओं को पीछे धकेल दिया। जब दानव दूर उड़ गया, उसका सम्मोहन जादू भी धीरे धीरे खत्म हो गया। परी कीड़े होश में आ गए हैं। दुख की बात है कि वे जो कुछ भी याद रख पाते हैं वह सब वलिसे के कारण है, जिसने उन्हें नगनी की रक्षा से विचलित किया। हाना के कदमों की ओर चलें। तुम्हारी जिम्मेदारी सोल गेम की रक्षा करना है ना? अब तुम्हारी योजना क्या है? हम सिर्फ वलिसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। फेलिसी, समझाओ, यह क्या है? क्या यह महारानी मविला का प्रसारण समय नहीं है? आपके पास यह कैसे है? ये हार मैंने नगुयेन धोंग से प्राप्त किया, इसे लगाना तुम्हारे ऊपर है। क्या आप थाई क्विदुओंग से हैं? आप पहले से ही थाई क्विदुओंग को जानती हैं। आपने ही हमें भेजा था ताकि वह नगो खोन पर हमला कर सके। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप धोखेबाज होंगे। नहीं, ये सच नहीं है। कृपया मुझे समझाने दें। उसे फिर से मदद करो। अंत में योद्धा वैलिस फिर से विश्वासघाती बना दुयांग देश का। यह अन्याय वैलिस के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ा कलंक है। लेकिन इस समय में वह और भी दुखी थी, क्योंकि उसने भी दानव के झांसे में आकर दुर्गम राज्य को बर्बाद कर दिया। उनका खुद से गुस्सा होना गलत नहीं है, यह अपनी ही मूर्खता की वजह से है। वह निश्चित रूप से वापस आएगा। वालसी, होश में आओ। हम दुश्मन के हाथों में देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते। कृपया सोचो वालसी। और वह अपनी गलतियों को सुधारने का दृढ़ संकल्प करती है। एक योद्धा के सम्मान को वापस पाने के लिए उसे बाहर निकलकर दुष्ट राक्षस को मारना था, अपने देश की रक्षा करनी थी। हाँ, हाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो वैलिसी, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं मानता। नहीं तो तुमने मुझे दलदल में उस राक्षस के साथ मरने दिया होता। और भी मैं उस एलिस पे विश्वास करता हूँ जिसे मैंने जाना है। गर्माहट में वैलिस और हाना ने पुरानी गलतफहमियों को साफ किया। वह कारण बता रही थी कि हाना वैलिस से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वह देख रही थी कि वैलिस लैला के साथ और भी ज्यादा घनिष्ठ होती जा रही थी। वो तितलियाँ उस दिन गली के ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी, खासकर वो हाना। मुझे उनसे नफरत है। हाना गुस्से में चली गई। उसे यह नहीं पता था कि वलीस पहले से ही छिपकर उसे देख रहा था और लैला को बेवकूफी भरी बातें करने के लिए एक सबक सिखाया। बचकाने मतभेद पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा। बाई एक का नाइट वॉरियर, देश आपको बुला रहा है। आपको अपना काम पूरा करना होगा। धन्यवाद, हम निश्चित रूप से माई डोंग को हराएंगे। वह अभी भी प्रतिरोध करना चाहती है, लड़की। वह देखती है उसकी बहनें पहले ही मेरे पीछे हैं। जो मेरा अनुसरण करते हैं वे जीवित रह सकते हैं। हा हा हा। कभी नहीं, हम इस पवित्र मटिबा भूमि पर किसी दुष्ट को हावी नहीं होने देंगे। हाना और वैलिस अंतिम बहादुर योद्धाओं की तरह युद्ध में डूब गए। दानव ने जल्दी से हना जैसे कृषि परियों की कमजोरी को पहचान लिया। उसने हना पर घातक हमले किए। हाना, सावधान। नहीं,
फेलिसिया जागो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मैं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इस समय लाइसी अत्यधिक दर्द की सीमा तक पहुंच गई थी। वह अपनी और हना की पुरानी यादों में खो गई और दुखी हुई। नगिनी को हराने के लिए परियों के पंखों से बनाया गया हथियार, जिसमें मजबूत इच्छा शक्ति और सबसे सच्ची भावनाएं होती हैं, की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, पंख फैलाओ। नहीं कर सकते फेलिसिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम मर भी सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप से वादा करो, तुम इस देश में शांति लाओगे। इसे होने दो। हना ने मुझसे वादा किया था कि वह दुयांग देश की रक्षा करेगा और अपनी शेष जिंदगी अच्छी तरह से जिएगा। उठो वालिशी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और दोस्त को खोने का दर्द उसे उसकी सीमा तक ले गया। वेलिसी की बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के लिए हाना ने अपनी कायरता को दूर किया। मैं निश्चित रूप से उसे हराऊंगा। हाना अपनी दोहरी तलवारों के साथ वापस आ गई है। वह अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। प्रत्येक तलवार यह प्रतिबिंबित होता है वाली से और दुआंग देश के प्रति असीम प्रेम और विश्वास। तुम भी बहुत बहादुर हो गए हो, देखो यह। यह जीवन केवल क्रूरता को स्वीकार करने के लिए नहीं है। हाना का निर्णायक हमला प्रकाश की शक्ति और साहस से भरा था। वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। पूरा मातीपा राष्ट्र भी चमक उठा। अंधेरे जादू से मुक्त हो गया। सभी परियां मिलकर जेड देवी के मंदिर की ओर बढ़ी। एक साहसी आत्मा के जाने का हर कोई बहुत दुखी था। वे सभी मिलकर टूटे पंखों को ऊर्जा देते हैं। उम्मीद से भरा हुआ चमकता हुआ प्रकाश। हना ने जल्दी से वैलिस के पंख उसके शरीर पर वापस लगा दिए और उसे पुनर्जीवित किया। सब मदद करो, क्या हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है? हाँ, हम जीत गए वैलिसी। धन्यवाद, अब से तुम्हें खुद को अकेला नहीं छोड़ने देंगे। सभी गलत फहमियाँ सुलझ गईं। हाना और वैलिस उसके बाद तितली जनजाति की रानियों की तरह बन गईं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है, जहाँ हर कोई अपनी शक्ति और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सुंदर लड़की समुद्र के देवता को समर्पित एक बलिदान बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आई। उसकी प्रतीक्षा में थे उग्र लहरें और उस क्रूर समुद्र राजा के रहस्य। क्या हुआ था? मेलिंडा शांति की देवी थी। वह अपने अंदर काली शक्तियों को वश में करने के मिशन को लेकर चलती है। हर जगह के लोगों की रक्षा करती है। लांता किंगडम में ठहरने पर उसने मत्स्य पुरुष राजा अटलांटा की कहानी सुनी, जो एक धोखेबाज था जिसे सभी लोग नापसंद करते थे। मरमेड ट्राइब और लांता किंगडम शांतिपूर्वक साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि साथ में विकास कर सकें। हर गांव एक कीमती पत्थर रखता है। एक मोती समुद्र की गहराइयों में अनंत जीवन शक्ति का प्रतीक है। दूसरा मोती मानवता की चमकदार बुद्धिमत्ता की शक्ति का प्रतीक है। दोनों शक्तियों पर अधिकार जमाने के लिए अटलांटा ने प्रिंस हेलस का दिव्य मणि चुरा लिया। समुद्री राज्य के लोगों ने सिया सागर पर विजय प्राप्त की ताकि वे दोनों प्रजातियों की शक्ति पर राज कर सकें। हैन नगा इंसानों को सागर की यात्रा से रोकता है। और भी बुरा, शांति से जीने के लिए हमें हर साल उसे एक सुंदर युवती अर्पित करनी पड़ती है। कल की बलि सभी के लिए चिंता का विषय है। इस बार मुझे बलिदान हो जाने दो। तो शांति की देवी ने अपने विवाह का पोशाक पहना और देवताओं और राजा की विदाई के साथ मेलिंडा जल्दी से गहरी नींद में चली गई। जागने पर वह समुद्र की गहराई में पाई गई।
वह कौन है? मुझे माफ कर दो, मेरे पिता यहाँ के समुद्र में एक मछली थे और मेरी माँ हालास की एक देवी थी। मैं मूल रूप से एक मिश्रित जाति का हूँ, मनुष्य को मेरी आवश्यकता नहीं है। बातचीत करते समय अटलांटा और मेलिंडा ने बाहर एक जोरदार ध्वनि सुनी। हेलो क्लास की ट्रेन की सीटी बज चुकी है, बच्चे कहाँ हैं? जहाज के जाल डालने की तैयारी से थोड़ी दूर दो मत्स्य कन्याएं बिना किसी चिंता के खेल रही थी। देखो यहाँ कुछ अजीब है। सौभाग्य से अटलांटा और मेलिंडा समय पर पहुंचे और बच्चों को मौत के मुंह से बचा लिया। मैंने क्या कहा था, समुद्र से दूर रहो। बहुत खतरनाक। शुरुआत आसानी से हुई, मेलिंडा ने मरमेड मियां से दोस्ती कर ली, एक तेज तर्रार लड़की जिसने बहुत चोट खाई थी और जल्दी ही अनाथ हो गई थी। रहस्यमय समुद्र की गहराइयों में हर कोने को खोजा जा रहा है। वह बहुत बदसूरत और क्रूर है, मेलिंडा फिर भी कैसे मुस्कुरा सकती है? हाँ, सही कहा, बुरा इंसान। अटलांटा के बारे में केवल अच्छी बातें ही कहनी है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बुरा नहीं है। बिल्कुल, पिछली बार हान ने बैक्टीरिया को नष्ट नहीं किया था, बस समुद्र से खदेड़ दिया था। ऐसा क्यों है? क्या यह सज्जन लड़कियों से संबंधित है? उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। मेलिंडा जल्दी करो। छोड़ो, साइलान, आखिरी को छोड़ दो। तुम आकाश को ढूंढ रहे हो क्या? वह दोस्तों के साथ खेलने गया है। यह बच्चा एक शब्द भी बिना कहे चला गया। अरे कहीं नहीं जा रहे, मुझे भी साथ ले लो। मेलिंडा अटलांटा के साथ समुद्र के तल में एक विशाल प्रकाशित गुफा की ओर गई। वाह कितना सुंदर है। प्रकाश गुफा में एक दुर्गम जल जीव नाम कनू। समुद्र के राजा के विचारों को समझते हुए मेलिंडा ने उसे जल्दी और आसानी से मान लिया। अटलांटा और मेलिंडा गनर को बहुत से नए दोस्तों से मिलवाने लाए। वह समुद्र के अजीबोगरीब जीवों, पारदर्शी ऑक्टोपस, गायने वाली मछलियों से मिली, लेकिन सबको याद नहीं रख सकी। रंगीन और शानदार मरम्मत, बस एक बात याद रखे, उन सभी ने अटलांटा से प्रेम किया। वह उसे सुनने में आए हर उस चीज से कम क्रूर था। समुद्र के राजा की दुल्हन, समुद्र के राजा की दुल्हन, सही है। बलिदान की गई दुल्हनों का क्या, मेलिंडा उन्हें भूलने नहीं देती। कई दिनों तक जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक सुराग आखिरकार मेलिंडा को अटलांटा के साथ एक द्वीप तक ले गया। तो उस बूढ़े ने उन्हें यहाँ कैद कर रखा था, वह बहुत ही निराश है। उसी रात वह हेलोस को ढूंढने के लिए किनारे पर गई। मेलिंडा को नहीं पता था कि मदद का मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। मिया अपना 10वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही है। वह एक कीमती पत्थर के तोहफे की इच्छा रखती है। वह एक नीलम का गहरा नीला पत्थर है। याद रखना गुलाबी भी बहुत सुंदर होता है, देखो। जैसी की उम्मीद थी, मेलिंडा के बताए गए स्थान से पत्थर की जानकारी मिलते ही अटलांटा ने किनारे पर खतरों की परवाह किए बिना चढ़ाई की। आखिरकार ट्रांग ने उस कीमती पत्थर को पा लिया। लंबे समय के बाद मिले, सीधे समुद्र में नमस्ते। मेलिंडा को ऐसा मौका मिला, सोचा भी नहीं था। उस समय अटलांटा को एहसास हुआ कि उन्होंने धोखा खाया था। इस समय मेलिंडा को बलिदान वाली लड़कियों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उसे एक आश्चर्यजनक सच्चाई बताई। नहीं, अटलांटा बुरा व्यक्ति नहीं है, उसने हमारी जान बचाई और हमें सुरक्षित रखा। पता चला यह समुद्र के राजा की मांग नहीं थी। वास्तव में हेलर ने युवतियों का अपहरण और उन पर अधिकार करने के लिए एक योजना बनाई थी। बेलिडा, बेलिडा,
किनारे पर बहुत देर तक मत रुको, नहीं तो पैर, तुम्हारे पैर, तुम इंसान हो। मियाँ सुनो मुझे, तुम हॉलर के जासूस हो। प्रिंस एटलांटा किनारे पर है, उसने धोखा दिया है, कुछ हो गया है उसके बहुत साथ। सुंदर। अरे उसने वादा किया था कि वह अटलांटा को सुरक्षित वापस ले आएगी, बस उन्हें वह जादुई मणि वापस नहीं करनी होगी। वापस दे धोखेबाज। मिया ने उसे एक और सच्चाई बताई, उस साल हरलस ही चोर था, लेकिन उसने इल्जाम अटलांटा पर लगा दिया। मुझे बाद में राजा बनने दो, तुम्हें ऐसा सपने में भी नहीं मिलेगा। राजकुमार हलास अभी राज सिंहासन संभालने के योग्य नहीं है, पर जब अटलांटा को सिंहासन मिला तो वह ईर्ष्या करने लगा। उसने अपने ही राज्य का दिव्य मणि चुरा लिया और भाग गया। हमने मत्स्यांगना के आखिरी मोती को भी ले लिया। बहुत से मछलियों को उसने नुकसान पहुंचाया, जिसमें मिया के माता पिता भी शामिल हैं। समुद्र का राजा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह निर्दोष जीवनों को चोट पहुंचाने वाले युद्ध को नहीं चाहता था। इसके बाद मछली वाले लोगों ने इंसानों से घृणा करना शुरू कर दिया। मेलिंडा को सच्चाई ने गहरी पीड़ा दी, उसने माया से वादा किया वह किसी भी कीमत पर वापस आएगी। इसी समय हेलस समुद्री राजा के साथ सार्वजनिक रूप से फांसी की कार्रवाई तेजी से कर रहा था। तो हमें पूरी तरह से सजा देनी चाहिए। कितना भयानक दृश्य है। चुप रहो, राजा के नाम पर मैं उस दानव को सजा दूंगा जिसने मुझे परेशान किया है। बुरी महिला जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, वे शांतिपूर्वक जीवित रहते हैं। खो देते हैं। मेलिंडा ने समय पर बलि दी गई दुल्हनों को किनारे पर लाया। ये लड़कियां ही थीं जिन्होंने हानिस की असलियत को सामने लाया। वही असली चोर था जिसने मानव जाति के राज्य का दिव्य मणि चुराया था। हमें धोखा दिया गया। तेत क्या है? मैं अब वह कमजोर हलास नहीं हूँ। हाँ हाँ, लिन की माँ ने हमें बचाया। हलर ने समुद्री राजा का दिव्य मणि मंदिर पर कब्जा कर लिया। अब वह किसी भी चीज से नहीं डरता। यहाँ आओ, सभी इस कमजोर व्यक्ति को देखो। मेलिंडा अटलांटा के घावों से भरे शरीर को देखकर दिल से दुखी होती है। मुझे माफ कर दो अटलांटा, मैं योग्य नहीं हूँ। रोना मत, ताकत में बदल दो। वह शांत रहने की कोशिश करती है, अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास करती है जो कि हान लुट पर है, परंतु हान के ऊपर का जादू बहुत ही अंधेरा है, अच्छाई की कोई भी किरण नहीं है। क्या केले से बचने के बाद क्या? मेलिंडा के दिल को डर के मारे जकड़ लिया गया था, क्योंकि कदम धीरे धीरे नजदीक आते गए। उसने जादुई दीवारों के साथ खुद को बचाने की कोशिश की। समुद्री संग्रहालय अब मेरा है, मैं कमजोर हालूट नहीं हूँ। हलास के शब्दों ने मेलिंडा को जगाया। उसे शक्ति देने वाली चीज खुद वह नहीं बल्कि दो पवित्र मणि थी, इसलिए उसे जो वश में करना है वह उसका अंत नहीं बल्कि वे दो पवित्र मणि हैं। अंदर के दो रत्न अभी भी कमजोर रूप से चमक रहे हैं। शुक्र है कि वे पूरी तरह से काले नहीं हुए हैं, पूरी तरह से। हलास के शरीर के माध्यम से दो ज्वेलरी की प्रखर प्रकाश शक्ति धोखेबाज विलुप्त हो जाता है। अत्यधिक पीड़ा से करा। मैं माफी चाहता हूँ। क्या शक्तिशाली योद्धा। त्रंग का उपहार। हेरमिस लॉर्ड द्वारा धोखाधड़ी को सजा दी गई थी। जनता चाहती है कि अटलांटा मानव जाति के बगीचे का नेतृत्व संभाले। जादुई मणि के सागर को योग्य राजा के लिए छोड़ दिया जाएगा। हालांकि हेलस का खात्मा कर अटलांटा को फिर से पवित्र बना दिया गया, पर शांति की देवी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अटलांटा फिर मिलेंगे। समुद्र के राजा ने अपना मिशन जल के प्रजा के साथ जारी रखा। कोई जिंदा है? अरे नमस्ते समुद्र के राजा, आप अभी भी उतने ही प्रचंड हैं। नंग की वापसी का स्वागत है। पता चला हर सिपाही का मिशन 25 वर्ष की आयु तक चलेगा। मेलिंडा ने अपना मिशन पूरा किया और समुद्र की ओर लौट आई, सागर के राजा के साथ अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया।